हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी मेटल है चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं कार्यपत्रक 80 यानी क्वेश्चन नंबर 80 की, जो क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के बच्चों के लिए दिनांक 4 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल किया गया है। और इसका विषय है भारत में राष्ट्रवाद। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, सामूहिक अपनेपन का भाव देखेंगे आज, ठीक है। और भारतीय लोक कथाएँ देखेंगे, चिन्ह प्रतीक देखेंगे और कुछ इतिहास के बारे में भी जानेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने वर्कशीट नंबर 79 में पढ़ा था कि किस प्रकार मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माने जाने लगा था। और इस कार्यपत्रक में हम भारत में राष्ट्रवाद के विचार में भारतीय लोक कथाओं, चिन्हों, प्रतीकों तथा इतिहास के प्रभाव को पढ़ेंगे। आपने पिछली वर्कशीट में देखा था कि किस तरीके से जो भारत माता की छवि बनी, ठीक है, उसके बाद से फिर तमाम चित्रकारों ने भी अपने अपने हिसाब से चित्र बनाए और कहीं ना कहीं वो राष्ट्र की एकता में बहुत ही अहम रोल निभाया, ठीक है। आज हम लोग देख रहे हैं इसकी लोक कथाएँ। तो देखिए, भारतीय लोक कथाएँ 20वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। 19वीं शताब्दी की जो है लास्ट की बात हो रही है कि जो भी राष्ट्रवादी थे उन्होंने क्या किया कि भाटों और चारणों द्वारा जो गाई सुनाई जाती थी लोक कथाएँ उसको दर्ज करना शुरू कर दिया। वे लोकगीतों तथा जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। उनका मानना था कि यही कहानियां हमारी उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती है जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी है। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इन लोक परंपरा को बचा कर रखना जरूरी था, क्योंकि अतीत ही वर्तमान होती है। एक रूप से अतीत का परिवर्तित रूप ही वर्तमान होती है। तो अगर हमें अतीत की सही जानकारी हो तो ही हमारा भविष्य अच्छा हो सकता है। तो देखिए, बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर स्वयं लोक गाथा गीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने लगे। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा क्या हुआ कि जो भी लोक गाथा गीत थे, बाल गीत थे और जो मिथक थी, जो मतलब गलतियाँ थी, उसको इकट्ठा करने में जुट गए थे। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलोसे ऑफ सदर्न इंडिया, द फोकलोसे ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। और उनका मानना था कि लोक कथाएँ राष्ट्रीय साहित्य होती हैं, यह लोगों के असली विचारों और विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति हैं। जो लोक कथाएँ होती हैं वो क्षेत्र विशेष के ऊपर होती हैं और वो रियल चीज़ें बताती हैं, और जो भी उसमें कमियां भी थी वो भी इन लोगों के द्वारा, जो राष्ट्रवादी थे, इन लोगों के द्वारा जो है जनता के सामने रखा गया। अब बात करते हैं चिन्ह और प्रतीक, प्रतीक यानी कि झंडे के बारे में। तो देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के साथ ही राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उसमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए चिन्हों और प्रतीकों के बारे में और ज़्यादा जागरूक होते गए। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा, जिसका जो उसमें कलर जो भरा गया था हरा, पीला और लाल, तैयार किया गया। जो स्वदेशी आंदोलन चला था बिहार बंगाल में, तो वहाँ पर एक तिरंगा को पेश किया गया था और उस तिरंगे में 3 रंग थे, हरा, पीला और लाल। आज का जो तिरंगा उसमें क्या है, केसरिया है, ठीक है, सफ़ेद है और हरा है, और जो गोला है, जो चक्र है, वो ब्लू रंग का है। तो उस समय जो स्वदेशी आंदोलन में पेश किया गया था तो उसका जो तिरंगा था वो हरा, पीला और लाल रंग में था। तो इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। 1921 तक गांधी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल था,
जो गांधी जी ने 1921 में स्वराज का झंडा तैयार किया था, तो वो जो तिरंगा था उसमें एक तो कलर था सफ़ेद, दूसरा हरा और तीसरा लाल, तीन रंग थे सफ़ेद, हरा और लाल। इसके मध्य में एक गांधीवादी प्रतीक चरखे की जगह दी गई जो स्वावलंबन का प्रतीक था। जलूसों में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। गांधी जी क्या होता जो प्रदर्शन करते थे तो उसके साथ जो है ये, और इस झंडे में जो है वो जो उनका चरखा था उसको भी जगह दी गई बीच में, और इसको उन आंदोलनों में लेकर चलते थे। और ये कहीं ना कहीं ये जो है अवज्ञा यानी कि अंग्रेजी हुकूमत की आज्ञा की अवहेलना करना कहलाता था, उसका संकेत था। अब थोड़ा इतिहास में देख लें तो देखिए बच्चों, इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी। अंग्रेजों की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोग थे जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते। जो अंग्रेज थे उन्हें ये लगता था कि भारतीय जो है अनपढ़ हैं, ठीक है, ये किसी काम के नहीं है, ये अपना देश नहीं संभाल सकते, शासन नहीं कर सकते, ठीक है। इनके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे। उन्होंने उस गौरवशाली प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया जब कला और वास्तुशिल्प, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृत, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे। उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता और उपलब्धियों का पर गर्व होने लगा। ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष मार्ग अपनाने का आह्वान किया जाता था। क्या हुआ कि जब अंग्रेज भारत को या भारत के लोगों को अकर्मण्य समझ लेते थे, किसी काम के नहीं है, ये अनपढ़ हैं, इनके पास बुद्धि नहीं है, ये शासन नहीं चला सकते, अपना देश नहीं चला सकते, तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो राष्ट्रवादियों के खिलाफ, जिसे राष्ट्रवादियों ने क्या किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत को उकसाने के लिए, भारत के लोगों को उकसाने के लिए इन्होंने अपने अतीत को जगाया। जो उनका अतीत था, जो पिछड़ा हुआ कल था, भारत को कहा जाता था ना सोने की चिड़िया, तो वो सारी चीज़ें लोगों के सामने रखी गई। और जब लोगों को अपना अतीत याद आता है, हनुमान जी को भी जब समुद्र लांघना था तो जामवंत ने याद दिलाया था कि आप ये हो, मतलब उनका अतीत याद दिलाई गई थी और उसके बाद उनको अपने शक्ति का एहसास हुआ और वो समुद्र लांघ गए। तो वही चीज़ था उस समय जो है लोगों में अपने अतीत को याद करके अपने देश के प्रति लड़ने के लिए, अंग्रेज़ों की खिलाफी करने के लिए जो है जोश पैदा करने का काम किया गया। तो बच्चों आज की वर्कशीट में आपसे कुल दो प्रश्न पूछे गए हैं, तो आइए देखते हैं। जो पहला प्रश्न है वो है, लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से किस प्रकार राष्ट्रवाद का विचार मजबूत हुआ। तो बच्चों इसमें हम लोग लिख लेंगे कि राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। 19वीं सदी के अंत में राष्ट्रवादियों ने भाटों और चरणों द्वारा सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि यही कहानियां हमारी परंपरागत संस्कृति की तस्वीर पेश करती है और लोक कथाओं के द्वारा लोगों ने अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में जाना। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेंगे इतिहास यानी कि अपने अतीत के विषय में वो लोग जाने। और दूसरा जो प्रश्न है वो है, चिन्हों और प्रतीकों, इतिहास आदि ने किस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। तो इसमें हम लोग लिख लेंगे कि चिन्हों और प्रतीकों ने लोगों को देश के साथ जोड़ा। ठीक है, तिरंगा तथा चरखा उस समय देशभक्ति और अंग्रेजी विरोध का प्रतीक बन गया। राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक अन्य साधन इतिहास की व्याख्या थी। अंग्रेजों ने भारतीयों को पिछड़े और आदिम के रूप में देखा था। ठीक है, तो इसके खिलाफ भड़काने के रूप में या खिलाफ होने के लिए, अंग्रेज खिलाफ होने के लिए काफ़ी अच्छा था कि वो अपने अतीत के विषय में जाने। और क्या जोड़ देंगे, इतिहास की व्याख्या ने भारतीयों को अपने गौरवशाली इतिहास से परिचित हुए और आपसी एकता की भावना और मजबूत हुई। तो इस तरीके से योगदान मिला। तो बच्चों इसी के साथ आज की ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक करें,
दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।